मीटिंग रखते हैं और समाज सभा प्रभाग मैंने सेवा का गतिविधि के बारे में, समाज सभा प्रभाग के जानकारी कैसे सेवा किया जाए उसके बारे में हर टर्न में बाबा का टर्न में रखते हैं मीटिंग। और इसी क्रम में आज राजस्थान तमिलनाडु जोन के बाबा के द्वारा दादा के टर्न में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मंच में आदरणीय राजयोगी अवतार भाई जी जो समाज सभा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और वरिष्ठ भाई जी हमारे प्राण भवन में 50 वर्ष से समर्पित रूप सेवा दे रहे हैं और साथ में आदरणीय विजय दीदी जी जो हमारे राजस्थान जो है एडिशनल जनरल कोऑर्डिनेटर समाज सभा प्रभाग के हैं, सीनियर राज्य का टीचर भी है, आदरणीय पद्मा दीदी भी है और विजय हमारे साथ में पुष्पा बहन जी भी बैठे हैं। आज बहुत सारा अकाउंट मीटिंग में होने के कारण बहुत सारे बहन नीचे मीटिंग में बैठे हैं। बाकी समाज सभा प्रभाग जो बीते वर्ष में सेवा किया हुआ और आगामी सेवा समाचार भी बाद में सुनाएंगे। सबसे पहले हम आदरणीय अवतार भाई जी को हम निवेदन करते हैं कि ये समाज सभा प्रभाग के सेवा कैसे विस्तार किया जाए और उसके विस्तृत जानकारी के लिए हम आदरणीय भाई साहब को निवेदन करते हैं। ओम शांति। ओम बाप दादा के नुग्रे रतन आप सभी भाई बहने जो यहाँ पर आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी है उसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही सुखद पहलू है कि जिस तरह से समय अब नज़दीक आता जा रहा है जिसकी समाज में आप सभी भाई बहनों को परिस्थितियां सामने आ ही रही हैं उसको देखते हुए, समय की समीपता को देखते हुए यज्ञ की सेवाओं का जो विहंग मार्ग का निरंतर बढ़ता ही जा रहा है सर्विस का ग्राफ, उसी अनुपात में जो विंग्स बनी हुई हैं वो भी अपने तीव्रतर सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सब अपने अपने विंग्स का एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके सेवाओं को अंतिम रूप देने के लिए ताकि समय पर समय रहते हुए कोई ऐसी आत्मा छूट न जाए कि जिसके बाद में हम सबको उलहना मिले कि ओहो भगवान आए थे धरा पर लेकिन हमें किसी ने बताया तक नहीं और उसका उत्तरदायित्व तो फिर हम लोगों को दिया जाएगा कि भाई आप उत्तरदायी हैं कि आपने जो है हमें बाबा का परिचय नहीं दिया और टू लेट हो गए। तो उसके लिए अभी से ही हमें जो कुछ थोड़ा बहुत समय बाकी बचा हुआ है उस समय को पूर्ण रूप से सफल करते हुए और समाज के हर वर्ग के या समाज के उस कोने अंतिम छोर पर रहने वाला वह व्यक्ति भी बाबा की सेवाओं से अवगत हो उसके लिए हमें पूरा जोर लगाना है। तो वो जोर लगाने के लिए हम सब पूरी रसा कसी है वो आप सभी उसके लिए तैयार तो हैं ही, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप तैयार हो जाए, आप पहले से ही तैयार हैं और कर रहे हैं लेकिन उसे और अधिक बलशाली बनाने के लिए सेवाओं का ग्राफ बढ़ाने के लिए अब आप भी आपको भी ये विशेष जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भी योजनाओं को दें कि किस योजना से या किस कार्य से हम बाबा की सेवाओं को बढ़ाएं
और पिन को आगे बढ़ाते रहें। अब आगे आओ बहन जी, ये आप सभी को पता ही है, जैसे भाई जी ने भी बताया कि बाबा के सीजन के हर ग्रुप में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में भी सेवाओं की रूपरेखा भी बनती है, जिसमें से फिर संक्षेप निकाल करके और आगामी जो वार्षिक बैठक होती है उस बैठक में इस सब को मतलब एक प्रस्तुत करते हुए और पूरे साल भर की योजनाओं को ये बनाया जा सकेगा। अब आया हो तो बाद में भी अपनी बाय पोस्ट या ईमेल या किसी तरह से अपनी योजनाओं को, अपनी संकल्पनाओं को भेज सकते हैं ताकि उन्हें भी समायोजित किया जा सके सेवाओं की योजनाओं में। विंग की बहुत सारी सेवाएं पिछले दिनों हुई हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से वीरेंद्र भाई जी बताएंगे। उससे पहले मैं इस बैठक की अध्यक्षा आदरणीय राजयोगिनी विदेदी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, और अंकिता बहन जी का मैं हार्दिक स्वागत करूंगा कि वो यहाँ पर पधारी और हमें अपने संकल्पनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अपने उद्बोधन बाद में प्रस्तुत करेंगी। पहले आदरणीय विजय दीदी जी। आदरणीय हमारे वरिष्ठ भ्राता अवतार भाई जी, वीरेंद्र भाई जी, अंकिता बहन एवं प्यारे भाई बहनों, मेरे को तो ऐसे लगता है हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हर एक विंग की सेवाएं बहुत अच्छे से चल रही, खूब सेवाएं कर रहे हैं। और एक समय ऐसा लगता है कि भी कर लिया, मैं अभी कई लोगों से मिलती हूँ हर विंग वाले, या हमारे टीचर्स के संगठन में भी कहा कि हर विंग की बहुत सेवाएं हो गई, अभी अब क्या करें, क्योंकि उनके आगे प्रश्न आता है कि क्या करें। लेकिन हमारी समाज सेवा प्रभाग एक ऐसा है कि हम क्या करें नहीं आता है, लेकिन मेरे विचार चल रहे थे हमारी सेवाएं लास्ट तक चलेंगी, संगम युग के समापन तक भी चलेंगी, क्योंकि सतयुग श्रेष्ठ समाज लाने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। पर हर व्यक्ति सेवा के फील्ड में नहीं आता है, चाहे वो आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे बीमारियां हो, तो उसमें कोई एकाध वर्ग ही सेवा में आ जाता है। लेकिन समाज सेवा का एक ऐसा है कि कोई भी परिस्थितियों के बीच में भी समाज सेवी संस्थाएं ही सामने आती हैं, हर परिस्थिति में, चाहे बीमारियों का दौर हो, चाहे वो वार का हो, चाहे प्राकृतिक आपदाओं का। तो वैसे समय में तो मेरे मन के कुछ विचार चल रहे थे, हम आए दिन कार्यक्रम करते रहते हैं और खास करके समाज सेवियों का सम्मान करते रहते हैं, जब वो सम्मान प्राप्त करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, क्योंकि भले कोई भी स्थान का एक सेंटर वो भले छोटा क्यों ना हो, परंतु वो समाज से भी जब सम्मानित होते हैं तो उनके मन में ऐसे आता है कि हम बहुत हमारा एक वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि संसार की एक हाईएस्ट संस्था, सर्वोच्च संस्था जो विश्वव्यापी है, ऐसी संस्था ने हमें सम्मान किया, भले वो एक छोटा गांव क्यों ना हो, वहाँ सम्मानित होने वाले वो लोग अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम सम्मानित हो रहे हैं। उसके साथ साथ उनको एक जिम्मेवारी भी आ जाती है
इतनी बड़ी संस्था ने हमें सम्मान किया, तो हमारे कार्य को हमें कैसे और मूल्य आधारित बना के सेवा करना। तो निश्चित रूप से इस तरह की सेवाएं हमारी चल रही हैं, लेकिन वो जो सम्मानित हो रहे हैं ये सारे लोग, वो और अच्छे सक्षम होकर के इस कार्य को बढ़ाने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो बाबा से जब रूरी हान चलती, बड़ा वंडर लगता कि बाबा कमाल है कि डॉक्टर्स होंगे, मेडिकल विंग वाले होंगे, पेशेंट्स की सेवा करेंगे, और जो भी वर्ग वाले होंगे सभी सेवाएं नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको बाबा ने ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हम इस सेवा प्रभाग के सदस्य होने के नाते कि शिव बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है कि स्थूल सेवा करने वालों को भी हमें बल देना है, ऐसी शक्ति हमारे अंदर जमा करनी है कि बाबा जिस तरह से विश्व कल्याणी हैं, तो समाज से भी निश्चित रूप से विश्व कल्याणी बन के बाबा की शक्ति को अपने अंदर भर करके, हर गुण हर शक्ति को अंदर भर करके, जिस तरह से कल बाबा ने कहा कि आपको तरस नहीं आता, आपके भाई आपकी बहनें दुखी हैं परेशान हैं, तो वो सेवा हम सभी मिलकर के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। न तो हमें कुछ प्लाइंग भी ऐसी तपस्या का करना चाहिए, मनसा सेवा का, हमारे पूरा विंग वाले मिल करके एक टाइम निकाल के उस टाइम जहाँ तहाँ रहते, मेरी ऐसी विचार है मेरे कि हम थोड़ा सा भले वो 15 मिनट ही क्यों ना हो, सभी समाज सेवी इस प्रभाव से जुड़े हुए भाई बहने सभी अपने अपने स्थानों पर उसी टाइम पर अगर हम योग करके सकाश देने की सेवा आरंभ करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हम अपने सेंटर पर प्रैक्टिकल शुरू कर चुके हैं। बाबा ने जब 18 जनवरी को जब कहा था मनसा सेवा का, उसी दिन प्लान बना के 4 ग्रुप में मनसा सेवा का सेंटर पर तपस्या चल रही। जैसे ही बाबा ने कल कहा तो बहुत खुशी हुई, और निश्चित रूप से जो वो मनसा सेवा कर रहे उनको तो कितनी खुशी हो जाती है। तो तब मुझे ऐसे लगता है कि हम समाज सेवा का कार्य कर रहे, हमारी ड्यूटी तो लास्ट तक रहेगी, इसीलिए अभी से हमारे अंदर वो हम बल भरें। बाकी हमारे दादाजी तो ऐसे नित नए हमें प्लाइन देते हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, हम बहुत आगे बढ़ेंगे इस सेवा में और साथ साथ पावरफुल होकर के रहेंगे। ओम शांति। धन्यवाद। हाँ, बेनेश्वर का समाचार। तो अभी 14 तारीख को डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट बेनेश्वर में राष्ट्रपति आए थे। तो डूंगरपुर सेंटर से 60-65 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रयास किया हम लोगों ने मिलने का, क्योंकि वो एक लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत वो आए थे, उसके अलावा कोई और कार्यक्रम नहीं था, लेकिन अपना रिक्वेस्ट ही बाबा ने कराया। हो सकता है कि बाबा को संदेश दिलवाना, तो मिलने का चांस मिला। हम समाज सेवा प्रभाग की तरफ से मिलने के लिए गए, और वहाँ किसी और को अलाउ नहीं था, केवल सीएम और गवर्नर और 2 कैबिनेट मंत्री, वो लोग उनका स्वागत कर रहे थे। उस बीच हम लोगों को भी उन्होंने समय दिया और हमने गुलदस्ता भी दिया, और खास करके हमारा ये जो सर्विस रिपोर्ट है वो उनको दिया, तो उन्होंने बहुत प्रेम से लिया भी, देखा भी। शॉर्ट टाइम में भी वो एक सेवा, मुझे ऐसे ख्याल चल रहा है वो फोटो अगर आ जाए तो कि भाई राष्ट्रपति यानी हमारी सर्वोच्च हस्ती आज के दिन हमारे देश की है, उसके हाथ में वो बुक आया माना, तो ये भी एक बहुत अच्छी सेवा बाबा ने कराई। ओम शांति। परमादरणीय हमारे
आदरणीय भाई जी, वीरेंद्र भाई जी, हमारे परम स्नेही दीदी विजयलक्ष्मी दीदी जी, जैसा कि दीदी ने बताया कि समाज सेवा प्रभाग वास्तव में जो हमेशा कहते ही हैं कि ये आलू का काम करता है, किसी भी सब्जी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं आलू को, जैसे ऐसे ही समाज सेवा प्रभाग है। कोई भी सेवा हो, कहाँ पे भी है, सहज रीति से समाज सेवा के सदस्य जाकर के सेवा कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आपके मीडिया हो, चाहे वो गांव हो, कहीं पे भी, है ना। क्योंकि समाज में सब आते हैं और समाज सेवा मेरे ख्याल से ब्रह्मा कुमारी तो एक नाम ही है समाज सेवा का, क्योंकि पूरे विश्व में पूरे समाज को सुधारने का कार्य जो परम समाज से भी हमारे परम पिता परमात्मा है, शिव बाबा है, वो तो कर ही रहे। तो हम कहाँ पे भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो सब समाज सेवा में ही इंक्लूडेड है। लेकिन जब विंग के माध्यम से हम सेवा करते हैं तो हमें सेवा करने की दिशा मिल जाती है कि किस रीति हमें सेवा करना है। और जैसा कि अभी बताया कि अभी हमारे विंग्स में जो सम्मान जो हम करते हैं समाज सेवियों का, ये सच में बहुत इसको अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो समाज में सेवाएं दे रहे हैं लेकिन क्योंकि उनका पहुंच नहीं है या उनको ज़्यादा लोगों तक इतना उनकी मीडिया में भी नहीं बात पहुंचती है, तो जब ब्रह्म कुमारी के थ्रू जब उनको सम्मान किया जाता है ना, तो वो खुद को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सम्मान कर रही है। जब नेपाल में प्रोग्राम हुआ था और हम लोग अभियान में नेपाल में गए थे और वहाँ पर जब लोगों को बुला करके और उनका सम्मान किया जा रहा था, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे कि वास्तव में ये जो सम्मान है ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जो आप लोग कर रहे हो, मतलब उनको प्रेरणा आनी चाहिए लेकिन ये प्रेरणा आपको आ रही है। और बहुत अच्छे से सेवा भी होती है, क्योंकि सम्मान ऐसे तो आप किसी को बुलाइए कि एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आपको आना है तो लोग ज़्यादातर लोग मना ही कर देते, लेकिन जब ये बात होती है कि आपको सम्मान किया जाएगा, तो यहाँ तक भी देखा गया है कि जो डॉक्टर्स 5-10 मिनट भी नहीं निकालते थे, वो 2-2 घंटा बैठते हैं, और जब बाबा के प्रोग्राम में आते हैं और बैठते हैं तो वो वातावरण, वो वाइब्रेशन जो उनको फील होता है, वो रियलाइज करते हैं कि हमें पहले आना चाहिए था, हम पहले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं जुड़े इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो बहुत सुंदर सेवा का साधन है, और भी नई नई विधियाँ निकाली जा रही हैं समाज सेवा प्रभाग में। और जैसे अभी योग का भी होता ही है, योग का तो मीटिंग भी, ट्रेनिंग का भी सेशंस अभी विंग की तरफ से रखा जा रहा है, और अपने जो समाज सेवा प्रभाग के सदस्य हैं उनके लिए योग का भी प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, अभी वीरेंद्र भाई जी बताएंगे। तो बहुत कुछ नवीनता भी हो रही है इस विंग में, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर इस विंग को ज्वाइन करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, खुद को भी कैसे हमें एक अच्छा स्पीकर हम बन सकते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है, और आपके जगह पर जो भी आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी सेवा किस रीति से और कितनी सहज रीति से कर सकते हैं उसके बारे में बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। ओके, प्रभाग के तरफ से वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रोग्राम हुआ था आज़ादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में, जो कि पूरे भारतवर्ष में 11 अभियान निकाले गए थे और विभिन्न शहरों में प्रोग्राम समाज सेवी का सम्मान समारोह भी हुआ था, जिसका उद्घाटन जो वारसी में रिटर्न होम शादी रिटर्न हुआ था, जिसका समापन नडियाद में हुआ था। और इस वर्ष में 2023-24 में अभी हम लोगों ने मेरठ में प्रोग्राम हुआ था समाज सेवी सम्मान समारोह, उसके बाद उत्तराखंड में 57 प्रोग्राम हुआ था, जो कि बहुत ही एक जो कि दुनिया मना बीके ब्राह्मण फिल्म में भी और दुनिया वाले को पता पड़ गया उत्तराखंड में कौन कौन सा शहर है, लेकिन उत्तराखंड में जो हम जब जानते हैं तो चारधाम का नाम तो विख्यात ही है, नैनीताल और मंसूरी का नाम जानते हैं, बाकी विभिन्न शहर जो है उनका भी नाम लोगों को मालूम पड़ गया सेवा के माध्यम के द्वारा। विशेष इसका का अंतिम जो उसका समापन समारोह था जिसमें रानी आया था वहाँ का टिहरी डैम का, बहुत अच्छा सेवा हुआ, जो कि विजयलक्ष्मी दीदी जी उनको ज्ञान दिया कि नहीं
भविष्य में श्रेष्ठ देवता बनने वाले हैं और इस दुनिया में हमारा जन्म होगा तो बहुत खुशी हुआ। हमारा जन्म कौन सा होगा ऐसे पूछा रानी जी ने, तो बहुत खुश हुआ। कोर्स करने का भी उनको ने वायदा किया उनके महल में जा करके, और बाकी नेपाल में प्रोग्राम हुआ 45 प्रोग्राम, जो कि जो शहर में प्रोग्राम हुआ वहाँ एक जो एक समाज से भी नारायणगढ़ में था, एक पत्रकार था, इतना खुश हुआ उसने यूट्यूब में डाला फोटो, उसका सक्रिय 1.5 लाख लोगों ने देखा। ब्रह्मा कुमारी सम्मान के उन्होंने महिमा, हमने हम एक छोटा सा पत्रकार होने के नाते भी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था ने हमको सम्मान किया, हमसे उसका लाइक अभी बच्चा है लेकिन इतना बड़ा सम्मान दिया, बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। इसमें कमेंट किया तो सारा 1.5 लाख लोगों ने देखा वो। और जो भी समाज सेवा प्रोग्राम सम्मान करते हैं ना, उसमें एक एक व्यक्ति के साथ हजारों लोग जुड़े होते हैं। अब वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं, इंस्टाग्राम में डालते हैं, उनका सब फ्रेंड सर्कल में देखते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा कुमार संस्था है कौन। तो गूगल में सर्च करते हैं उसको सारा मालूम पड़ता है, ब्रह्मा कुमार संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है, पूरा डिटेल उसको मालूम, जिसको भी परिचय नहीं वो भी इसके माध्यम से परिचय मिल जाता है। तो अभी आगामी में हम लोगों ने सेवा भावक समाज प्रभाग की तरफ से हमारे सर्व समाज सदस्य के लिए और विभिन्न प्रोग्राम रखे गए हैं, जो कि अभी वर्तमान में 4-5 फरवरी को हम सभी आदरणीय विजय दीदी जी, पद्मा दीदी जी सारे गए थे प्रोग्राम में, वहाँ भी 2 प्रोग्राम हुआ, इंदौर में और मऊ में, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद 3 मार्च में अभी भुज में प्रोग्राम है, जो कि समाज सभी 1000 का हॉल बुक किया हुआ है वहाँ पर, वहाँ भी 1 दिन का प्रोग्राम है, जिसका प्रोग्राम जो कि हमारे स्वामीनाथन भाई जी आदरणीय बीजी दीदी भी जाएंगे साथ में और पद्मा दीदी भी जाएंगे साथ, भी विचार करेंगे। बाकी दूसरा जो है कि इसके बाद में फिर आदरणीय बीजी दीदी बोले कि मार्च में नहीं अप्रैल महीना में देवगढ़ में चूरू में प्रोग्राम का ऑफर आया है, अप्रैल मास में चूरू में रख सकते हैं। फिर बाद में ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया काठमांडू नगर, वहाँ पर एक नगर कोर्ट बोल के जगह जीटीसी बना हुआ 4 धाम रखा, उसमें टीचर बहनों को जो विशेष उसमें दिया गया है, उसमें टीचर बहन जो विशेष भाई है 2 दिन का ट्रेनिंग रखा गया है, 1 दिन का भट्टी है, 2 दिन का साइड सीन है, 21 मई को जाना है और 6 जून को वापसी है। तो ये उसके बाद में फिर जो है कि अंकिता बहन कहाँ गए, वो बोल रहे थे जून में ये मानसरोवर भट्टी है 26-27 जून में। तो उसके बाद में फिर वहाँ शिविर का प्रोग्राम है बरात भट्टा 3 दिन का, और फिर बेगू और सिंगोली में 1-1 दिन का समाज शिविर का प्रोग्राम रखा गया है। तो इसमें इसका डेट अभी फिक्स करेंगे, बाकी मीटिंग के बाद 26-30 जून में जो प्रोग्राम है उसमें विभिन्न अपना समाज सभा का सदस्य है वो आ सकते हैं इस मीटिंग में भट्टी में, और जो नहीं है वो भी आ सकते हैं, बाद में बन सकते हैं मेंबर। तो उसके बाद में मीटिंग के बाद वहाँ काठमांडू के बाद में वहाँ और ऑफर आया है, जहाँ जब समाज सभा का प्रोग्राम नहीं हुआ इटहरी में उर्लावारी में 3 दिन के शिविर और 1 दिन के समाज सभा का प्रोग्राम रखा गया है, और उर्लावारी विराटनगर धारण में भी शिविर का प्रोग्राम रखा गया है, मतलब 15 जून तक वहाँ नेपाल में। फिर उसके बाद हम लोग 26 जून से मानसरोवर भट्टी में प्रोग्राम हम लोग आएंगे, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है उसका। फिर बाद में मानसरोवर भट्टी के बाद में जुलाई मास में रावत भट्टा का प्रोग्राम होगा, उसके बाद में फिर जुलाई मास में भी ज्ञान सरोवर में VIP का प्रोग्राम रखा गया 400 संख्या, जिसमें ज्ञान सरोवर में हमारे जो मोस्ट VIP होता है, जो लाइन्स क्लब का रोटरी क्लब का गवर्नर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है या बड़े बड़े पोस्ट का, उनको ही मदद दिया जाए क्योंकि संख्या 400 ही है वहाँ पर। उसके बाद फिर सितंबर मास में VIP का प्रोग्राम रखा गया 5 से 9 सितंबर, 500 का संख्या दिया गया उसमें, और 50 सेवादारी उसमें सेवादारी शायद वही रहेगा, 20-25 सेवादारी हम लोग ले जा सकते हैं, बाकी वही ORC के सेवादारी सेवा करेंगे, बाकी ज्ञान सेवा में 50 सेवादारी का आवश्यकता है। और उसके बाद ORC को प्रोग्राम जबकि 4 तारीख पहुँचना है, 5 को साइड सीन कर सकते हैं और 6, 7, 8 प्रोग्राम होगा, 9 को फिर साइड सीन करके 10 को वापसी हम आ सकते हैं वहाँ। उसमें ऑल इंडिया और नेपाल से भी समाज सेवी को हम ला सकते हैं समाज सेवा प्रोग्राम उस ORC के प्रोग्राम में।
उसके बाद फिर कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में ही कुमाऊं एक क्षेत्र, उस क्षेत्र में 12 से 2 अक्टूबर में अभियान का प्रोग्राम रखा गया है। जिस अभियान का रूपरेखा बना हुआ है जो कि उस विभिन्न शहर में क्षेत्रों में उसका प्रोग्राम रखा, जिसका समापन समारोह नेपाल के बॉर्डर पश्चिम नेपाल को खातिमा बोल के जगह में रखा गया, उसका उद्घाटन है हल्द्वानी में। फिर उसके बाद में 11 अक्टूबर का दशहरा है, 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर श्रीनगर गढ़वाल में 5 दिन के शिविर एक दिन के सम्मान समारोह प्रोग्राम रखा गया है। फिर 20 अक्टूबर को असंत करनाल में एक दिन का समाज सेवक प्रोग्राम रखा गया है। फिर 22 अक्टूबर को कातमा हरियाणा में प्रोग्राम रखा गया है। फिर उसके बाद में फिर नवंबर मास में वार्षिक मीटिंग समाज सेवक प्रभाग सिक्किम गैंगटोक में रखा गया है, जो कि उसमें भी 50 लोगों की संख्या है। और दिसंबर मास में केरला में अभियान रखा गया है। ये सारा जो आगामी सेवा समाचार है, जिसमें आपको मान सम्मान के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और ज्ञान सम्मान प्रोग्राम का भी कुछ दिन में चालू हो जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और इस आपको जो भी इसमें जो कि ऐसे 5-8 जो प्रोग्राम रखा है उसमें टीचर ट्रेनिंग में नाम लिस्ट जिसको जाना है वो दे सकते हैं, तो टीचर उसका है विशेष में अलाउ है उसमें। बाकी का अगर संख्या कम होगा तो दूसरे भाई को भी ले सकते हैं। ओम शांति। हमने ये ब्लड डोनेशन को प्रोग्राम रखा था, जिसमें कि आदरणीय संतो दीदी ने छुट्टी दिया था, लेकिन आदरणीय बिजमन भाई जी ने बोला कि इसमें बहुत मेहनत है और ये प्रोग्राम कैंसिल किया। लेकिन अभी हम आगामी प्रोग्राम हम ये सोचते हैं कि हम केंद्र से, जो कि हम आने वाले दुनिया स्वर्णीय समाज बनेगा, जैसे कि हम समाज सेवा प्रभाग की तरफ से थीम रखा गया आओ हम सब मिलकर एक स्वर्णीय समाज बनाएं, उसी के अंतर्गत समाज में सर्वांगीण विकास होगा तो ही हम सब फिर से भारत का स्वर्णिम समाज बना सकते हैं। इसी टॉपिक में लेकर के या हम लोग विचार करके केंद्र में सरकार से एम यू बना करके पूरे भारतवर्ष में उसका सेवा का प्लान रखा गया है। उसके लिए हम सब मिलकर विचार मीटिंग करेंगे, और जो होगा उसमें कि हमारे सी भाई जी नासिक से है, डॉक्टर है, और वो भारत को विकसित भारत के लिए भारत सरकार के साथ काम भी कर रहे हैं। बहुत सारा है, उन्होंने प्रोग्राम भी रखा गया है। अभी कल मीटिंग उनका दिल्ली में जा रहे हैं, वो भी अपना थोड़ा अपना अनुभव सुनाएंगे। अभी समाज सेवा प्रभाग की तरफ से जुड़े हैं, अभी 1 महीना हुआ है, और वो अपना अनुभव सुनाएंगे, अपना परिचय भी देंगे। ड्रामानुसार आज आप सबसे मुलाकात हुई। आज हमारे वरिष्ठ भाई जी वीरेंद्र भाई जी, हमारे दीदी जी और आप सभी, जब मैं यहाँ आया तो मुझे कहा गया कि ज़्यादा नहीं होगी, क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मुझे आज यहाँ आके ऐसा फील हुआ कि क्वांटिटी नहीं, लेकिन जो भी है क्वालिटी है। ओके, सो भाई जी ने जैसे कहा कि आप अपना अनुभव सुनाए, अनुभव तो बहुत है, और जब मुझे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हो तो क्वेश्चन ये पड़ता है कि क्या बताओ कहाँ से है, क्योंकि ड्रामानुसार पार्टी ऐसा चल रहा है कि एक जगह पर होता नहीं। ओके, सारी दुनिया में घूमना होता है। सो एग्जैक्टली मेरा जो जन्म था एक राष्ट्र संत सतगुरु जनार्दन स्वामी के सानिध्य में होता, उनका उन्होंने शिवपुरी आश्रम नाम था उसका, तो उन्होंने मेरा नाम शिवप्रसाद रखा, और मैं बहुत बड़े फैमिली में रॉयल फैमिली में जन्म लिया। लेकिन उन्होंने मेरे दादाजी को कहा था कि जो लड़का है ना, इसका पेड़ अलग रहेगा, भले आपका ही बहुत बड़ा है लेकिन इसका अलग ही रहेगा, इसका विस्तार अलग रहेगा। वो मुझे बता देते थे बाद में कि ऐसे ऐसे आपके लिए बोला गया था। उन्होंने बहुत सारे प्रिडिक्शंस मेरे बारे में किए थे, अब तक तो वो सब सही ठहरे। लेकिन ये रजिस्टर मेरा नाम शिव प्रसाद रखा था, सारे डॉक्यूमेंट्स पे गवर्नमेंट इसमें नाम शिव प्रसाद है, लेकिन सब मुझे प्रसव करके ही जानते थे। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे ये नाम नफरत थी मुझे इससे, आई डोंट लाइक, क्योंकि क्या नाम रखा शिव प्रसाद, कोई अच्छा रखते थे, अभी आध्यात्मिक क्या नाम रखा। आई वॉज हिटिंग दैट नेम, बट एट द एज ऑफ 28 आई वॉज स्ट्रगलिंग। और जब आपका वो डिवाइन टाइमिंग होता है तब मैं इनसे मिला, ऊपर वाले से, और
तब मुझे पता चला व्हाट इश्यू। इट वॉज लाइक दैट कि ये ट्रेन विदाउट इंजन भाग रही है, इसलिए स्ट्रगल चल रहा है, इसलिए ट्रेन का डब्बा यहाँ वहाँ जा रहा है। फिर मैंने इंजन लगा दिया, फिर मेरे सोशल मीडिया में मैंने शिव प्रसाद बोल लिए, तो लोग ये बोलने लगे वहाँ पर राजयोग कोर्स करने के बाद नाम भी बदल देते हैं क्या। तो फिर मैंने मेरा डॉक्यूमेंट्स दिखाया कि नहीं, मेरा नाम वैसे ही था पहले, लेकिन मैं छुपाया वो, मुझे ही नहीं पता। और जब एट द एज ऑफ 28 जब मैंने वो नाम एक्सप्लोर किया ना, तो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, बहुत अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिन। नियरली अबाउट 6-7 महीने में 10-15 गीता पाठशाला ओपन हो गए, सब बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, 1000-2000 वगैरह वगैरह, और बहुत कुछ हुआ। पेपर भी बहुत आया, ऐसे नहीं पेपर आए, बहुत पेपर आए। तो जैसे पेपर आए वैसे खुद को चेंज किया, खुद को ट्यून किया। अभी तो मैं फ्रीक्वेंसी के साथ रहता हूँ, उसके साथ फ्रीक्वेंसी। अगर आपको हाई लेवल का कुछ करना है तो आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी, ओके। और उसने मुझे कुछ संकल्प दिया है, उस संकल्प के साथ जीता हूँ मैं एट प्रेजेंट। जो कुछ होने वाला है आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट कि वो होने वाला है या वो करना है। एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन दैट पोजिशन, दैट आई एम इन दैट पोजिशन। और मैं वो फील कर रहा हूँ कि जो विजन मुझे दिया गया है, जिसके लिए मुझे भेजा गया है, क्योंकि आप कहीं जाते नहीं हो, आपको भेजा जाता है। मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है, ओके। सोशल विंग का मेंबर मैं बना नहीं हूँ, मुझे बनाया गया है। निमित्त वीरेंद्र भाई जी, तो ये जो है मैं सब साक्षी बनकर देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ उसका जो पावर है, उसकी जो एनर्जी है, वो इतना काम कर रही है ना कि सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस हो रहा है। कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, भाई ने पूछा किसके साथ अपॉइंटमेंट, आई डोंट नो किसके साथ अपॉइंटमेंट है, उसको पता है। उसने बोला 11 दिन वहाँ जाकर बैठना है, आई एम गोइंग टू देयर। और मुझे पता है वो फ्रिक्वेंसी के साथ वो सोल एनकाउंटर हो गए, और बहुत कुछ होने वाला है। और अगली मीटिंग जब होगी ना हमारी सोशल विंग की, नोट माई गोल्डन वर्ड्स, वो डायमंड हॉल में होगी, और पूरा डायमंड हॉल भरा होगा। ये मैं देख रहा हूँ, ये विजन मुझे दिखता है, वो दिखाता है मुझे, ओके। और आगे चलकर आप देखेंगे कि ये आपको लग रहा है कि सोशल विंग, जैसे दीदी ने कहा कि किन्होंने कहा कि सोशल विंग के मेंबर ऐड करो, मैं आपको कहना चाहूँगा आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो ऐड होने वाले हैं, ऐड होने वाले, क्योंकि वो समय आ चुका है। एक्चुअली इन्होंने मेरा संग परिचय भी दिया डॉक्टर शिव प्रसाद, लेकिन मैं अभी ऐसा फील कर रहा हूँ मैं वो भी नहीं हूँ, वो मैं वो भी नहीं हूँ, ओके। मैं कौन हूँ, हालांकि मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ वो तो अभी कुछ दिनों में प्रत्यक्ष हो जाएगा। शिवरात्रि आ रही है, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, शिवरात्रि के पहले पूरे देश में शिव फेस्टिवल जाने होने वाला है। शिव फेस्टिवल बड़ा, इतना बड़ा होगा ना सारी दुनिया के नेशनल चैनल्स पे वो फेस्टिवल रहेगा, ओके। बाबा ने मुझे एक अलग पार्ट दिया है सेवा का, और वो सेवा मैं कर रहा हूँ, गुप्त ही थोड़ा सा अलग है। गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में रहकर कैसे वो सेवा हो सकता है, उस रीति से मुझे दिया है। और अभी जो नया इनिशिएटिव है मेरा, जो बाबा का है हले, तो उसका नाम है शिवयान। शिवयान जो मुझे विजन दिखाया गया है, मैंने खाली वो ब्राउचर पे और मेरे डॉक्यूमेंट्री पे वो किया, उस पर ये किया है। तो उन्होंने मुझे संकल्प दिया था कि मोदी जी का चंद्रयान गया ऊपर, तो ऊपर क्या क्रिएट किया, शिव शक्ति पॉइंट। तो फिर अभी ऊपर से शिवयान आएगा, नीचे क्या आएगा, शिवयान आएगा। वो शिवयान आने के बाद अयोध्या में एक राम मंदिर नहीं बनेगा, भारत का हर मंदिर, हर मंदिर राम मंदिर बनेगा, भारत का हर इंसान राम बनेगा। और उसी सोच और उसी बाबा का संकल्प लेके मैं आगे चला हूँ। आई हैव चैलेंज द सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैं चाहूँगा वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करें, और अगर वो करेंगे नहीं, इट्स देयर पार्ट, ओके। वो तो रुकने वाला नहीं अभी शिवयान, ओके। मैं चैलेंज किया गवर्नमेंट को, आपका सपना है कि भारत 2047 तक विकसित बने, कितना 2047
47 तक। मैंने उनको कहा है इस शिव यान के हाथ में दे दो, शिव का जो यान है उसके हाथ में दे दो। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, ना पोजीशन चाहिए, ना पॉलिटिक्स चाहिए, खाली गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। अगर वो मिलेगा 2030 तक पूरा भारत विकसित हो जाएगा खाली 6 सालों में। ओके, सो इट्स ऑल ओवर द वाइब्रेशंस, इट्स ऑल ओवर द वाइब्रेशन, इट्स ऑल ओवर द एनकाउंटर। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं खाली खुद की फ्रिक्वेंसी ऊपर काम करता हूँ। जैसे भाई ने कहा अपॉइंटमेंट लिए क्या, कौन कौन है, मैं बाहर काम ही नहीं करता, बाहर किसके अपॉइंटमेंट लेता है, कुछ नहीं करता बाहर में। ये प्रोग्राम का भी मैंने कुछ फिक्स नहीं किया था, जब मैं आ रहा हूँ इन्होंने बोला आपको मीटिंग में आना है, राइट। मेरा तो आज कुछ नहीं प्लान था, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ तो मैं बाबा से मिलकर पांडव भवन में पूरा समय बिताना चाहता था और फिर दिल्ली जाना चाहता था। लेकिन पांडव भवन जाने से पहले पांडव भवन के भाई जी मेरे यहाँ पे, तो मैं बहुत उम्र से आपसे छोटा हूँ, लेकिन जो विशेषता है वो बाबा कर लेते हैं। मुझे हर बार पूछा जाता है आप कितने दिन से ज्ञान में है, तो मैं यही आंसर करता हूँ कि एक दिन से, क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं कहता हूँ हैप्पी बर्थडे शिव प्रसाद, और रात को सोता हूँ तो कहता हूँ भावपूर्ण श्रद्धांजलि, क्योंकि बाबा ने कहा है मरना है। तो अध्यात्म में जब मैं भक्ति में था तो गुरु की जो एक ये थी ना, जो प्रत्येक किसी ना किसी के एक स्पिरिचुअलिटी का ये होता है, तो उसमें एक स्टेटमेंट था ओ मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शुंभवे, मतलब आपको जीते जी मरना है। वो मुझे तब नहीं कनेक्ट हुआ, लेकिन जब मुझे ये मिला ना तो मुझे पता चला वो क्या था। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग ऑन द वे, और चल रहा है आप सबकी, आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे, आज मुझे एनकाउंटर हुआ, मैं आपके सब साथ रहा। ओके, और देखेंगे आप फ्यूचर में। विकसित भारत में मुझे पूछा जाता है कि व्हाट इज विकसित भारत, व्हाट यू आर डूइंग। एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट के लिए फॉर्मेलिटीज के लिए ब्राउचर बनाया है, ये करने वाला हूँ, लेकिन वो नहीं है, वो करने वाला है। क्योंकि जब मैं जाता हूँ कौन से भी इवेंट में, कल मैंने मुंबई पुलिस का इवेंट किया, अभी उनका 45,000 इवेंट मुंबई पुलिस का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है मेरे तरफ से। ओके, तो दे हैव नो, कुछ प्लान नहीं होता, स्टेज पर जाता हूँ उसको बोलता हूँ, वो देख ले क्या है, और हो जाता है सब कुछ, उनको जो चाहिए वो हो जाता है। और अभी जो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उस इवेंट्स में ऐसे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, सामने वाले मुझे बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है आज हमारा बर्थडे हुआ, बर्थडे नया जन्म हुआ। तो मुझे मेरी फीलिंग आती है कि जब मैं 6 महीने का था ज्ञान में और बाबा ने मुझे स्टेज पे बुला लिया था, 6 महीने में स्टेज पर गया था डायमंड के बाबा से मिलने, बाबा ने टोली खिलाई थी तो तब दादी, तो वो जो फीलिंग थी ना मुझे बर्थडे, वो फीलिंग खेती होगी वैसी फसल उस वहाँ डालनी है। तो इंडियाज लीडिंग स्पिरिचुअल सर्जन मुझे टाइटल दिया गया है, उस टाइटल यानी सर्जन, हम बॉडी का ऑपरेशन करते सर्जरी करते, तो उसने स्पिरिट का सर्जरी करने को कहा है। ओके, तो वो सर्जरी करके वो सब चल रहा है। अभी तक बहुत मैंने ये किया बाबा से जोड़ने के लिए लोगों को अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी जो चल रहा है शिव, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी ज्यादा कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो जो पोजिशन दिखाया है बाबा ने, वो जो दिखाया है ना, जो कुछ होने वाला है दैट प्रोसेस, और 100% 1000% होगा, डाउट भी नहीं मुझे, खाली पता है मुझे 2 दिन में होगा, 20 दिनों में होगा या 2 महीने में होगा, लेकिन होना है। ओके, तो वो जब होगा ना तो इससे बहुत बड़ा ही होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिए मैं निमित्त हूँ। ओके, और एक दूसरी बात कि मैं सोशल विंग का मेंबर बना हूँ, तो ये कार्य भी सोशल विंग के रीति से चलने वाला है। दैट्स इट फ्रॉम हियर, ओम शांति। और दीदी जी मैं आने वाला हूँ आपके पास। ओके, ओम शांति, अपने संकल्प किया तो आना ही पड़ेगा। ओम शांति। कहीं भी प्रोग्राम करते हैं तो बाबा बोलते हैं पहले धर्म तैयार करो, तो जितने भी समाज सेवा प्रभाग के प्रोग्राम हुए हम सभी ने, सभी जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ वहाँ को बहने को बोला कि मनसा सेवा करो, अमृत मिला कमती में नहीं तो 5-10 मिनट, वहाँ का आत्मा जो भी आत्माएं हैं वो आ रहे हैं और बाबा से अपना अधिकार ले रहे हैं, ये संकल्प कीजिए। जहाँ भी प्रोग्राम हुआ देखा मैंने, नेपाल में, उत्तराखंड में जहाँ भी प्रोग्राम हुआ, तो बाबा का कमाल है। बाबा हम बच्चों को चांस देता है भाग्य बनाने के लिए, कार्य बाबा का है, बाबा अपने आप करा लेता है और सफलता मिलती है। तो वास्तव में हम अगर
बाबा पर निर्भर होकर, बाबा पर निश्चयबद्ध होकर हम कर्म करते हैं, ट्रस्टी बनकर करते हैं, निमित्त बनकर करते हैं, तो बाबा मदद करता है और सफलता हमारा जन्म से अधिकार है। ओम शांति। और किसी कुछ बोलना है? जोन राजस्थान से बाबा मिलन में आया था और मैं नीमच में फरवरी, पिछले फरवरी में शिवान दीदी जी आए थे, तो मैं मुझे बड़ी लगन हुई कि मुझे जुड़ना चाहिए। मैंने नीमच सेंटर पर नियमित जाता हूँ। मैं वर्ष 2015 से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से क्लेरिकल पोस्ट से रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड होते ही, रिटायर्ड से पहले ही 5 साल तक पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा था। उसके बाद एक संस्था का गठन किया 2015 में, जिसका नाम दिया संकल्प पर्यावरण संस्था, और उसके बैनर तले पर्यावरण के क्षेत्र में नीमच जिले में काम किया। और हमें संस्था को वर्ष 2021 का बायोडायवर्सिटी प्रदेश का प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ। 3 लाख रुपए का उसमें नगद राशि मिली और अभी भी स्वच्छता एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और ब्रह्मा कुमारी के बैनर तले भी पौधारोपण में रुचि रखता हूँ और मुझे स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में जो टीम जोड़ी है, मैंने मेरे को शायद बाबा ने ही शक्ति दी, मैं इसको निभा रहा हूँ और आगे भी निभाऊंगा। ओम शांति। शरीर का नाम केवी पिल्ले है। मैं चेन्नई से हूँ, कोल्लम केरला से हूँ। मैं 2018 से इसमें आया हूँ। मैं बेसिकली एक सर्विसमैन हूँ। 2006 में सेवानिवृत्त हुए। मैं अभी फिलहाल में मैं केरला स्टेट ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल का अपलेट अथॉरिटी मेंबर हूँ। सामाजिक सेवा करता हूँ, इसी की वजह से इस समाज जान के मैं इधर आया हूँ। इसमें जो भी कार्रवाई मैं कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। शांति। इस शरीर का नाम ओम प्रकाश भाई है। अजमेर से हूँ। रिटायर्ड सांख्यिकी अधिकारी भारत सरकार योजना मंत्रालय से हूँ। मुझे 78 के अंदर मैंने बाबा को ये ज्वाइन किया, यानी कि करीब 47 साल से मैं बाबा का बच्चा हूँ। जगह जगह मुझे कुछ ऐसी सर्विस थी कि जगह जगह जाना पड़ता था और फील्ड भी बहुत लंबा चौड़ा था। कहीं फैक्ट्रियों में जाना पड़ता था, कहीं किसानों के पटवारी गिरदावरों की चेकिंग के ऊपर जाना पड़ता था, कहीं दुकानों पे जाना पड़ता था। तो ऐसी सर्विस के अंदर जहाँ भी मैं गया, वहाँ सेंटर पे रुका और वहाँ की जो बहनें थी उनको साथ लेकर के, और इस जो हमारे सोशल बीइंग की जो क्षेत्र हैं करीब करीब हमने उसको कवर किया। तो उस क्षेत्र के अंदर हमारा पूरा करीब करीब राजस्थान आ ही जाता है। और अभी हमारे अंकिता बहन जी के साथ में मिलके, वीरेंद्र भाई के साथ में मिलके अजमेर में भी एक हमने बहुत बड़ा समाज जो विंग है उसके सम्मान समारोह भी रखा और उससे काफ़ी समाज से भी वहाँ जुड़े हैं और बहुत ही अच्छी इमेज रही है। और आगे हम कर ही रहे हैं, जगह जगह उनको बुलाते हैं, जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, नशा मुक्ति का भी प्रोग्राम रखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का भी रखते हैं, किसानों का भी रखते हैं, सभी तरह के अभी प्रोग्राम चल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय अवतार भाई साहब, विजय दीदी, विजेंद्र भाई साहब, ये समाज सेवा प्रभाग के माध्यम से ये समाज सेवियों की सेवा के लिए, वैसे तो मैं मेरा पहले परिचय दे दूँ, सॉरी, पुरुषोत्तम भाई अजमेर मैं कुमार हूँ और गत 51-52 साल से मैं ज्ञान में चल रहा हूँ और मेरा पूरा जीवन बाबा की सेवा में ही लगा हुआ है। हमारे यहाँ बीका पाठशाला भी चलती है। तो अंकिता दीदी और महावीर भाई हमारे अजमेर में ऐसे हैं आए और इन्होंने समाज सेवा का हमारे को सदस्य बनाया। उसके बाद समाज सेवा के अनेक प्रोग्राम गांव-गांव के अंदर किए और बड़ा प्रोग्राम तो अभी ओम प्रकाश भाई साहब ने बताया वो किया ही है और बहुत ही अच्छे लेवल पे हम ये प्रोग्राम करें। और मुझे एक सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ
कि एक जो ये अभियान है अजमेर से रावत भाटा तक का स्वर्णिम समाज का, वो उसको भी मेरे को साथ में चलने का मौका मिला था, उसके लिए मैं इन भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भविष्य में भी अब जैसे पहले अजमेर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो अभी मेरे को यही उमंग आ रहा है कि अजमेर के अंदर एक टोटल अपने समाज सेवा प्रभाग की तरफ से बड़ा प्रोग्राम आयोजित करवाएंगे। हमारे अंकिता दीदी हमारे साथ हैं, महावीर भाई साथ हैं, तो मेरे को ये आशा है कि वो ज़रूर इस अजमेर के अंदर जो है इसकी करेंगे। और अनेक सारे जो समाज सेवी अजमेर में बहुत बड़े बड़े समाज सेवी हैं, तो उन सब की सेवाएँ हो जाएंगी, ऐसी मेरी इच्छा है। ओम शांति। करण करावन हार बाबा को कोटि कोटि बार शुक्रिया। मेरा नाम सतीश, लौकिक धंधा चेन्नई में। पिछले बार जब बाबा मिलन के लिए यहाँ आया था, ये सोशल विंग में मेंबरशिप के लिए रजिस्टर किया। ये जो मेरा दिल से एहसास है, ऐसा मेंबरशिप जो जैसा परमवीर चक्र मिला, बाबा का दिया हुआ संकल्प, मुझे ये कहना सोचता हूँ कि ये विंग द्वारा अंतिम विनाश काल में, उसके पहले भी सबको शांति मिले, सबका कल्याण हो, सब मेरा बाबा का है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय वरिष्ठ भाई एंड दीदी, मैं चेन्नई में जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। इसी शरीर का नाम हमारा मेरा बलबीर है। और मैं वास्तव में बाबा जैसे करण करावन हार हैं उस अनुसार से हमें सेलेक्ट करके बहुत सारा सेवा मैं किया हूँ चेन्नई में, लाइक हेड ऑफिस ऑफ तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ तमिलनाडु। एंड इस तरह से बहुत जगह में जाके मैं ब्रह्म कुमारी की तरफ से मैं सेवा करता था। तो एक दीदी ने हमें बताया कि कोई भी एक विंग में ज्वाइन करने के बाद आप अच्छा सेवा करेंगे उससे आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो पिछले बार हमारे तमिलनाडु से मदन भाई आप लोग शायद जानते होंगे, उनको हम बताए थे कि हम सोशल विंग्स में ज्वाइन करना चाहते थे। तो पिछले साल ही हम सोशल विंग्स के मेंबर बने और इस साल ही मैक्सिमम मोर देन 800 आत्माओं को जा करके गवर्नमेंट और स्टाफ को ज्ञान दे दिए। जहाँ पर लोगों को परमिशन नहीं मिलता था, वहाँ पर बाबा ने परमिशन मेरे द्वारा ला करके दिया और वहाँ पर अच्छी तरह से सेवा हुई। और मैं जान सोचता हूँ कि बहुत जल्दी से तमिलनाडु को ऑल द गवर्नमेंट का जो ऑफिस है, लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस कमिश्नर डिपार्टमेंट, ये हो जाएगा सब सक्सेसफुल, बाबा का संदेश चल जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है देवनाथन, केरला से कोयलों डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। 82 में ज्ञान में आया था, मेरठ से मिलिट्री में था 17 साल, उसके बाद जो सैन्य वेलफेयर डायरेक्टरेट में 13 साल नौकरी किया। अभी मीडिया विंग में हर साल में मीडिया विंग में मेंबर हूँ, हर साल में कुछ मीडिया लेकर आता हूँ। स्पोर्ट्स विंग में भी मेंबर हूँ, कल्चर विंग में भी, सिक्योरिटी विंग में भी। अभी ये सोशल सर्विस सभी पसंद करने वाला है। कल और मैं पिले भाई जी इधर कल सोचकर इधर आया था, थोड़ी देर बैठकर फिर जाकर बोर्ड में देखा तो 17 थे, फिर आज चले गए। आज एक एनर्जेटिक स्पीच अशोक भाई से, शिव भाई से सुना था, बहुत एनर्जेटिक। ऐसे सभी मिलकर देने से बहुत अच्छा होगा, ये पूरा हेमंत काल फर जाए, ये भावना रखता हूँ। सब सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है चेन्नई कृष्ण, मैं चेन्नई से आया हूँ। बाबा के नॉलेज में 12 साल से हूँ, मगर पहली बार इधर मिलन में आया हूँ। ये सर्विस सोशल लिंक में शामिल होने के लिए मुझे बहुत खुश है, आगे सर्विस करने में करेंगे। थैंक यू। देवकर में सेवाएं दे रही हूँ।
और सेवाएं कोई भी होती है, हम व्यक्ति की सेवा करते हैं, व्यक्तिगत या कोई सेवाएं करते हैं तो समाज सेवा ही होती है, क्योंकि समाज माना इंसान से बनता है। तो हम सभी समाज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और हमारी इच्छा है कि देवगढ़ नया सेंटर बना है, आप सभी वहाँ जरूर पधारें और हम भी एक सोशल विंग का सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखेंगे। ओम शांति। पर शरीर का नाम है पद्मा। समाज सेवा जैसे बताए ना, आलू का काम करता है, सारे विंग भी इसमें समाये हुए हैं, क्योंकि ये समाज सेवा तो अंत तक चलेगा। दीदी ने भी कहा ना, अंत तक चलेगा, कब तक, इसमें बोरिंग नहीं है, ये अंत तक चलेगा, क्योंकि अंत तक तब की जब तक हम स्वर्ग नहीं लाएंगे तब तक हमारी सेवा चलती रहेगी। बाबा ने भी ऐसा सेवा करा रहे हैं, सब जगह घुमा रहे हैं, अच्छा लग रहा परिवार से मिलते हुए, समाज सेवियों को मिलते हुए, क्योंकि बाबा ही विश्व सेवक हैं, विश्व सेवक के बच्चे हैं, तो हमेशा हम बाबा की सेवा में हैं, समाज सेवा में हैं। मंच यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहने, अभी आपने समाज सेवा प्रभाग द्वारा जो आगामी प्रोग्राम है उनकी जानकारी ली, सेवा समाचार भी सुना, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ भी अगर सोशल विंग के द्वारा जो प्रोग्राम किए जाते हैं, तो अभी हम देखते हैं जितने भी सेंटर्स पे प्रोग्राम होते हैं उसमें कोई भी VIP को हम बुलाते हैं, चाहे विधायक हो, कलेक्टर हो, SP हो, जो भी वहाँ का प्रशासनिक वर्ग है, जो भी वहाँ के समाज सेवी हैं, तो मंच पे जब वो आते हैं तो आधा घंटा उनको देना पड़ता है, और उस आधे घंटे के चक्कर में सारा उनकी खातिरदारी में चला जाता है। लेकिन समाज सेवा प्रभाग द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की रचना की गई ताकि एक समय पर पूरे क्षेत्र के जितने भी VIP है, VIP, VVIP और अन्य समाज सेवी, सबकी एक साथ सेवा हो जाए, सबको बाबा का संदेश मिल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, कार्यक्रम का वहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसमें समाज सेवियों का NGO का रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन में सारी लिस्ट वहाँ पर आपको मिल जाएगी, उस लिस्ट के माध्यम से ये पता पड़ जाएगा इस शहर में कितनी संस्थाएं जो है समाज सेवा का कार्य कर रही है। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी होती है जो एक्टिव नहीं है, ओनली उनका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसे हम जानकारी के माध्यम से भी उस वहां के क्षेत्र में जाकर लोगों से ये भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ कौन कौन ऐसे लोग एक्टिव हैं जो बड़े स्तर पर जो है अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो उन सभी को बाबा के घर में बुलाकर सम्मान के बहाने निमंत्रण देके और उनका कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें स्पीकर्स ही हमारे होते हैं, बाकी वो सब नीचे होते हैं, नीचे बैठे हुए रहते हैं, और उनको लास्ट में जब उनका सम्मान के बाद कई सेंटर्स पर तो वहाँ ब्रह्मा भोजन भी रखा जाता है, जिससे उनको हमारे साथ थोड़ा मिलने जुलने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन और ये ऐसी एक्टिविटीज रखने से क्या है वो ज़्यादा टाइम हमें दे पाते हैं, तो उनको चीज़ें समझने में सहज होता है। तो जब वो आते हैं, जब स्पीकर सारे बोलते हैं, तो लास्ट में उनकी शुभ भावनाएं वो काम कहते हैं कि भाई आप अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं, तो दो दो मिनट जैसे भी आपने यहाँ पर सुनाया, तो लास्ट में दो दो मिनट आके कोई भी VIP स्टेज पे आके बोल सकते हैं। तो उसमें एक VIP को ही सारा महत्व नहीं दिया जाता, सभी को महत्व देकर और बाबा का संदेश दिया जाता है, और जितने भी प्रोग्राम किए उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो मेरा यही निवेदन है, आप भी जैसे अभी आपने सारा सुना है यहाँ पर, आप भी वहाँ पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं, दीदियों से मिलकर, दीदियों से सलाह लेकर। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर विश्व परिवर्तन भवन में 2nd फ्लोर पर सोशल विंग ऑफिस है, और इस समाज सेवा प्रभाग द्वारा एक ID भी बनाई जाती है। अभी हम देखते हैं कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब, फील्ड क्लब, बहुत सारे ऐसे क्लब्स होते हैं, ऐसे ऐसे क्लब हैं जिनकी 25-25 लाख रुपये में मेंबरशिप होती है, 25-30 लाख रुपये तक मेंबरशिप होती है, इतने बड़े क्लब भी है। तो उन लोगों का एक ही पूरा हमने जाके देखा, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे, जब हम फील्ड में गए तो हमें बहुत सारी सेवाओं की जानकारी मिली कि किस तरीके से इन लोगों को बाबा के घर के नज़दीक लाया जा सकता है। तो हमारी भी एक सोशल विंग के द्वारा एक ID बनाई जाती है, जब उनको इतनी ID का अपना नशा रहता है, तो ये तो हमारा वर्ल्ड 140 देशों में है, तो आप ये देखिए इस तरीके की ID जिसमें आपका जो है फोटो वगैरह, एक स्पिरिचुअल सोशल वर्क, तो ये ID भी आप मेंबरशिप लेने के बाद ये ID आपको प्राप्त हो सकती है। तो जो भी मेंबर नहीं बने हैं वो विंग्स मेंबर बन सकते हैं, और अन्य को भी जो है विंग्स मेंबर बनने का उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो इससे जो भी विंग्स से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग होती है, तो उन सभी को अटेंड करने का अवसर मिलेगा। जो BKS के प्रोग्राम रखे जाते हैं उसमें अधिकांश मेंबर्स को ही बुलाया जाता है, और अन्य जो प्रोग्राम रखे जाते हैं उसमें जो भी समाज सेवी है उनको आप गाइड के रूप में ला सकते हैं। ओम शांति।